बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 हमने शुरू की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिए थे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव, 9th क्लास के स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, वॉच करें, लाइक करें। चलें जी, हम अब एक्सरसाइज 6.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू मालूम करें। फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो अलजबरी का एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हो जाए, तो के की वैल्यू जो है वो मालूम करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, फर्स्ट पार्ट जो है वो करेंगे पहले, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि 4x⁴ माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस के, यहाँ के की वैल्यू हम जो है वो मालूम करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ये होगा ये। तो इसको हम लिखते हैं जी, ये 4x⁴ माइनस 12x⁴ और प्लस 37x² माइनस 42x प्लस के। तो इसका हम अंडर रूट स्क्वायर रूट जो है वो निकालेंगे, फिर उससे उसके जो है वो के की वैल्यू हम निकालते हैं। पिछले सवाल जिस तरह का करते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 4x⁴ किस के साथ, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 4 आएगा, 2 टाइम्स 4 आएगा, ये एक तो 2 आ जाएगा, और x⁴ जो है ये x⁴ x² और x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4x लाना है। पहले भी मैंने बहुत दफ़ा बता दिया, चले दोबारा बता देता हूँ, पहले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 आ जाएगा। x⁴ बनाने के लिए जो है ये क्या करना पड़ेगा, एक तो ये 4 आ जाएगा और दूसरा x⁴ को मल्टीप्लाई x⁴ करेंगे। वेरिएबल एक जैसे हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर इनकी ऐड हो जाती है, ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब है 2x⁴ और मल्टीप्लाई 2x⁴ को मल्टीप्लाई करें तो ये 4x⁴ जो है ये 4 आएगा। तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये 2x⁴ और यहाँ भी लिख दें 2x⁴। अब ये 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x⁴ जो है ये 4 आ जाएगा। इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं जी, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इसको जो है वो माइनस 12 नीचे उतार लें सारा, 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस के। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको नीचे उतारने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो ये 4 आ जाएगा और 4x² बन जाएगा। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है तो ये 4x² आ जाएगा। और दूसरी बात जो पहले भी मैंने बताई है, यहाँ जो साइन हो फौरन साइन यहाँ भी लगा लें और यहाँ भी साइन लगा लें, अगर प्लस का हो तो प्लस लगा लें, यहाँ भी प्लस लगा लें। अब 4 का टेबल जो है 12, हमने 4x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि माइनस 12x³ आ जाए, एक तो यह है 4 को हम जो है वो माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 3 = 12 माइनस 12 आ जाएगा, एक तो मसला हल हो गया। दूसरा ये x² है, ये x³ है, इसका मतलब एक x के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3x को 4x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 × 4 × माइनस 12 आ जाएगा, और x² है, ये x⁻¹ है, x³ आ जाएगा। इसका मतलब है माइनस 3x के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3x इधर भी लिखना होता है और ये माइनस 3 जो है ये x इधर भी लिखना होता है।
अब माइनस थ्री एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना होता है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा, आपने करना नहीं इस तरह, आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको ज़रा क्लियर समझ आ जाए। तो ये तीन चार बार 12 ये माइनस 12 आ जाएगा, और ये एक्स और एक्स की पावर 2, ये एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, तीन तीन बार 9, तो ये प्लस 9 जो है ये एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स की पावर जो है ये 2 आ जाएगा। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 17 यहाँ से कैरी लिए, 17 8, और ये यहाँ से 28 क्या आ जाएगा, 28 यहाँ से कैरी लिए, 17 9 8 17, और ये 228 एक्स केयर आ जाएगा, और माइनस 42 जो है ये एक्स और प्लस के। अब इसको मिटा देते हैं, अब क्या करना है, उसी तरह वही प्रोसेस जो है वो उसको रिपीट करना है, 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है। तो ये आ जाएगा 4 एक्स की पावर 2, और माइनस 3 दो बार 6 एक्स। अब यहाँ देखें ये कौन सा साइन है पॉजिटिव, जो बड़ी एलिमेंट था, बड़ी रकम थी, उसका हमने साइन लगा दिया है। तो ये अब प्लस है, तो प्लस इधर भी लगा लें और प्लस इधर भी लगा लें। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 7 के साथ। अब एक्स केयर है वो ज़रूरत नहीं, तो इसका मतलब 7 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 7 इधर भी काट लें और प्लस 7 इधर भी काट लें, और तो ये 2 7 इधर भी लगाना होता है, इधर भी, और 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करें इसको, 7 4 बार 28 एक्स की पावर 2, और प्लस माइनस माइनस 6 7 टाइम्स 42, 7 एक्स वेरिएबल आ जाएगा, और 7 को 7 टाइम्स 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। ये इसका जो है, इसको हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको मिटा देते हैं, इसका जो है वो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये हमने गलत कर दिया, 6 7 बार 42 ये हमने एक्स डबल लिख दिया, ये 42 ये भी यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, k माइनस 49। तो इन केस ऑफ परफेक्ट स्केयर, अब इन केस ऑफ परफेक्ट स्केयर लिख देते हैं, चलें, इन केस ऑफ परफेक्ट स्केयर रिमाइंडर रिमाइंडर इज इक्वल, किसके इक्वल टू, इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, यानी अगर परफेक्ट स्केयर होगा तो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये रिमाइंडर हमारे पास बचा है के माइनस 49 जो है इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। अब के की वैल्यू डी स्टूडेंट्स मालूम करनी है, के साथ जो है वो प्लस माइनस हो रहा हो उसको ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड करते हैं। यहाँ से माइनस 49 ख़त्म करना है कि के को, ये 49 को दूसरी तरफ ले जाएं तो के इज इक्वल टू वहाँ प्लस 49 हो जाएगा। तो ये डी स्टूडेंट के की वैल्यू है, ये आपका आंसर है, यानी के जो है के की जगह अगर आप 49 रखें तो ये परफेक्ट स्केयर बन जाता है। आपके सामने है, ये के है, के की वैल्यू 49 रखें, ये प्लस है प्लस, और ये जो है ये भी प्लस 49 रखें, और इसको जब माइनस करेंगे यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये परफेक्ट जो है वो स्केयर बन जाएगा। तो ये के की वैल्यू जो है वो 49 रखेंगे तो विल बिकम परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट स्केयर जो है वो बन जाएगा। तो ये डी स्टूडेंट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। डी स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं, सेकंड पार्ट मैं नोट करने लगा हूँ, इसको ज़रा आप देखें, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये एक्स की पावर जो है ये 4 आ जाएगा, और माइनस 4 एक्स की पावर एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 10 एक्स की पावर 2 एक्स रेज टू पावर 2
माइनस के एक्स प्लस नाइन। दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ ये एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स की पावर थ्री प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस नाइन। चलें जी, ये डी स्टूडेंट इसको भी जो है ये के की वैल्यू सेकंड पार्ट है बिल्कुल उसी तरह हल करना है। इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले किए पहला किया है। ये एक्स की पावर फोर लिखें और माइनस फोर एक्स की पावर थ्री और प्लस टेन जो है ये एक्स की पावर टू और माइनस के एक्स और प्लस नाइन। इसको सिंपलीफाई करते हैं डी स्टूडेंट। हाँ जी बताएं जी, किसके साथ ये एक्स की पावर फोर है किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये एक्स की पावर टू और यहां भी एक्स की पावर टू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x की पावर क्या आएगा, ये x की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा x की पावर 4। इसको सिंपलीफाई करते हैं जी, ये माइनस यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस फोर एक्स की पावर 3 आ जाएगा और प्लस 10 जो है ये x की पावर 2 आ जाएगा और माइनस के एक्स आ जाएगा प्लस 9। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया जरा बताएं क्या करेंगे इसको। एक तो ये है कि यहाँ जो माइनस ऑफ बाद में करते हैं, इसको इसको पहले नीचे ले आए। क्या कैसे नीचे लाएंगे, इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टू एक्स की पावर टू। अब ये स्टेप करना है, यहाँ जो साइन ऑफ फॉरन साइन इधर भी लगा लें और इधर भी साइन लगा लें। अब टू को किसके साथ, टू एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि माइनस फोर एक्स की पावर थ्री आ जाए, ये एक्स की पावर टू है। पहले तो 2 को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर आ जाएगा, ये x की पावर 2 है, इसमें एक x की पावर और ऐड करनी है तो ये x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर जो है ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब है माइनस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी माइनस टू एक्स के साथ लिखना है जी, माइनस टू एक्स इधर भी लिखना है इधर भी, और माइनस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। अब ये मैंने रफ में ऐसे करता हूँ, आपने ऐसा करना नहीं है, इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस फोर आ जाएगा, ये माइनस है इसकी वजह से, ये एक्स की पावर टू है, ये एक्स की पावर वन है, ये एक्स की पावर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर थ्री। ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, आगे ये माइनस माइनस प्लस, और टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस फोर आ जाएगा और एक्स की पावर टू, प्लस फोर एक्स की पावर जो है वो टू। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं जी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिक्स एक्स की पावर टू आ जाएगा और माइनस के एक्स आ जाएगा और प्लस नाइन, माइनस के एक्स प्लस नाइन। अब डी स्टूडेंट्स क्या करना है, उसी तरह टू को मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है तो ये आ जाएगा टू एक्स की पावर टू और माइनस फोर एक्स, टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस, इसी तरह टू को एक्स को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स आ जाएगा। अब यहां जो साइन ऑफ फोरन साइन लगा लें, प्लस इधर भी और प्लस इधर भी। अब टू टू को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, सिक्स आ जाए, एक तो ये थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस थ्री के साथ और प्लस सिक्स आना चाहिए तो प्लस सिक्स आ जाएगा। अब दूसरा ये है एक्स की पावर टू है तो एक्स की पावर टू, इसका मतलब है इसकी ज़रूरत नहीं है किसी भी इसको एक्स के साथ को मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, अब थ्री के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो तीन दो बार छः सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा तीन चार बार बारह, माइनस ट्वेल्व जो है ये एक्स आ जाएगा और प्लस जो है ये नाइन आ जाएगा। इसको हम जो है ये सिंपलीफाई करते हैं जी, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस के एक्स और प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ट्वेल्व, ये बच जाएगा ट्वेल्व एक्स,
ये मैंने माइनस के एक्स लिखा है, आगे नीचे वाले प्लस ट्वेल्व एक्स आगे लिख दिया, तो ये डियर स्टूडेंट जो है ये इसका रिमाइंडर बचा है। अब ये एक्सप्रेशन विल बिकम ए परफेक्ट स्केयर, इन केस ऑफ परफेक्ट स्केयर रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, जीरो के, तो हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स प्लस ट्वेल्व जो है एक्स इज इक्वल टू इसको जीरो के। अब यहां x की वैल्यू, यहां x कॉमन है तो ये x कॉमन ले लें, ये आ जाएगा माइनस के प्लस ट्वेल्व जो है ये इज इक्वल टू जीरो। तो ये x इधर भी जो है वो डिवाइड कर दें, x इधर भी डिवाइड कर दें, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। आगे मैं ऊपर लिख लेता हूं, माइनस के और प्लस ट्वेल्व जो है ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जीरो के। तो k की वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो k के साथ 12 इसको ख़त्म करेंगे, ये दूसरी तरफ चला जाएगा और ये माइनस ट्वेल्व आ हो जाएगा उधर उधर जाकर, तो k इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ये डियर स्टूडेंट k की वैल्यू जो है आपका आंसर है। अब देखें k की जगह 12 रखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर देखने की जरूरत नहीं है। ये देखें माइनस के एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स, ये माइनस के एक्स मैंने लिखा है और ये माइनस ट्वेल्व। अब के की जगह हम ट्वेल्व रखते हैं जी, के की जगह क्या रखते हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये परफेक्ट के बन जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर वन जो है इसका सेकंड पार्ट मैंने किया। डियर स्टूडेंट अगर आपने इनको इसको नोट करना है तो नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसमें, इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। के की वैल्यू निकालनी थी तो ये के की वैल्यू हमने जो है ये 12 निकाल लिया जी। तो ये डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये कंप्लीट कर दिया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वॉच करें, लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।